नूतन वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है। आप सभी अपने मन में सोच रहे होंगे कि वर्ष 2021 मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या इस वर्ष मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी नौकरी लगेगी, क्या मेरी पदोन्नति होगी, व्यवसाय में धन लाभ होगा या नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला हो। मैं आपको अपने इस राशि फल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ कि सिंह जातक के लिए नव वर्ष 2021 किस कार्य के लिए शुभ होगा और किस कार्य के लिए अशुभ, या अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं। आज मैं अपने ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपके अंदर आने वाले प्रश्नों का उचित समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। वर्ष के आरंभ में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को बकरी होकर मकर में आएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वृषभ राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष राशि से वृश्चिक राशि तक गोचर करेगा। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। यदि आप लग्न कुंडली तथा चंद्र कुंडली दोनों की राशियों के भविष्य फल को देख कर अपना कार्य योजना बनाते हैं तो सफल रहेगा। यह राशि फल वैदिक ज्योतिष के आधार पर किया गया है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित राशि फल को देखने के उपरांत आप वर्ष 2021 में होने वाली घटनाओं व दुर्घटनाओं से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप नववर्ष की पूरी योजना बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात की जाए पारिवारिक जीवन के बारे में। सिंह राशि वाले जातक का पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। घर के सदस्यों के मध्य तालमेल और एकता के कारण शांति का माहौल बना रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तथा घर में शांति के माहौल देखकर स्वयं भी खुश रहेंगे। पिताजी की सेहत का ख्याल रखें, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलते रहेगा। बहन से किसी बात को लेकर नोक झोंक हो सकती है परंतु बाद में सब ठीक हो जाएगा। यदि आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो मोशन हो सकता है, उनका स्थानांतरण घर से दूर हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, कोई लग्जरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इस समय आपको सुख सुविधाओं का अभाव हो सकता है। परिवार के बड़े बुजुर्गों का अपेक्षित सहयोग इस समय न मिलने से आप परेशान हो सकते हैं। यदि नया घर लेना चाह रहे हैं तो यह अच्छा अवसर है, अवश्य ही इस साल नया मकान खरीद सकते हैं। वर्ष 2021 में आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार होगा। आप अपने आप में महसूस करेंगे कि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। जनवरी से लेकर मध्य मार्च तक धन वृद्धि का योग बन रहा है। मध्य मार्च से अप्रैल तक अनियोजित खर्च से आप अचंभित हो सकते हैं, अतः कोई भी कार्य योजना योजनाबद्ध तरीके से करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके बाद मई से सितंबर तक आर्थिक लाभ तथा आपके व्यवसाय में वृद्धि का शुभ योग बन रहा है। आप अपने भविष्य के लिए आर्थिक योजनाएं तैयार करेंगे। इस बीच यदि लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। इस वर्ष आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और उसके लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। साल 2021 में गुरु आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में बैठकर कर्म स्थान को देखेंगे तथा गुरु पंचम और अष्टम भाव का स्वामी भी है, अतः कैरियर में मनानुकूल सफलता मिलने का योग बन रहा है परंतु विलंब से। इस समय आपके अंदर सकारात्मक विचारों का संचार प्रवाहित होगा, परिणाम स्वरूप आप व्यवसाय में मान सम्मान और यश को प्राप्त करेंगे। इस साल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत अवसर मिलने वाला है, अतः इसका फायदा अवश्य लेना चाहिए। जो कार्य पहले से रुका हुआ है वह पूरा होने का योग बन रहा है। व्यवसाय विस्तार में घर परिवार का भी विशेष योगदान रहेगा। अपने परिश्रम के कारण आपकी पहचान बढ़ेगी। जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक का समय आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। मई तथा मध्य जून तक सतर्क रहें, सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और विवाद से बचें, अन्यथा पूर्वकृत मेहनत बेकार जा सकती है। मध्य जून से सितंबर तक परिश्रम के अनुरूप कार्यों में सफलता मिलेगी। मानसिक परेशानी से गुजर सकते हैं और उसके बाद आपका भाग्योदय होगा।
वर्ष 2021 में गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर होने के कारण नौकरी में पदोन्नति या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अतः यदि नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो इस साल इसके लिए फैसला ले सकते हैं। यदि नई नौकरी की तलाश में हैं तो यह वर्ष खुशियां देने वाला है। आपको नए स्थान पर नौकरी करने का भी अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली को उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। इस वर्ष अचानक आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, इस कारण आप असहज भी महसूस करेंगे। आपके सकारात्मक ऊर्जा को देखकर आपके साथ कार्य करने वाले सहकर्मी के अंदर ईर्ष्या भाव पैदा होगा, अतः इससे बचने की जरूरत है। यह स्थिति विशेषतः वर्ष के अंतिम दो मास में आने वाली है। अपनी कमजोरी को किसी के सामने नहीं आने दें, अन्यथा आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। वर्ष 2021 में पूरे वर्ष घर में शिक्षा का माहौल बना रहेगा। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनवरी से मार्च तथा जून से अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। आप ऊर्जावान बने रहें, अवश्य ही शुभ परिणाम की सूचना मिलेगी। इस बीच आपकी कोई परीक्षा है तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश या अंतर्देशीय यात्रा कर सकते हैं। इस वर्ष पढ़ाई में अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु यदि स्थिति तब आएगी जब आप दोस्तों के बहकावे में आएंगे, इसी कारण आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। इस समस्या से निपटने के लिए गीता के एक श्लोक का पाठ करें। तकनीकी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा, कोई कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि परिश्रम ही सफलता दिला सकती है। सभी समस्या से निपटने के लिए सरस्वती मंत्र का पाठ करें। इस साल प्रेम में सफलता के साथ साथ बिखराव भी संभव है। यदि आप प्रेम विवाह के लिए इच्छुक हैं तो यह साल शुभ फल नहीं देने का योग बन रहा है। हो सकता है कि इस संबंध में घर वालों का भी सपोर्ट नहीं मिले। अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है या किसी गलत फहमी के कारण भी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। मार्च में प्रेम में सावधानी बरतें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें, अन्यथा आप बंधन योग के शिकार हो सकते हैं। इस वर्ष प्यार में धोखा तथा संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त माह से रोमांटिक लाइफ में भी रिश्ते सुधरने लगेंगे। प्रेमी का सहयोग मिलेगा जिससे आप दोनों के मध्य नजदीकियां पुनः बढ़ने लगेंगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझें तथा उसका कद्र करें। यदि आपके साथी आपसे रूठा है तो उसे मनाइए, ना कि उसे अपने हाल पर छोड़ दें। आपसी मनमुटाव होने पर क्रोध करने की बजाय ठंडे दिमाग से विषयों को सुलझाने का प्रयास करें। कोई भी अपने अपने विचारों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं करें। अक्टूबर से प्रेम यात्रा निर्बाध चलने लगेगी। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने लगेंगे, आनंद का जीवन जीने लगेंगे। जो जातक विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। सिंह राशि वाले जातक का स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। सष्टम भाव में राशि सौम्य सूर्य सितंबर माह में पांचवें स्थान में शनि के साथ होने से पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। साल के आरंभ में मंगल भी आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, अतः यदि बवासीर की शिकायत पहले से चल रही है तो सावधान हो जाएं। यह रोग आपको परेशान कर सकता है। वर्ष के आरंभ में सर्दी जुकाम के कारण परेशान हो सकते हैं। आपको अपने आप में आलस्य, शारीरिक थकान एवं ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। जोड़ों में भी आपको दर्द की शिकायत हो सकती है। अप्रैल महीने में शनि ग्रह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपको पेट दर्द, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बवासीर इत्यादि की समस्याएं रह सकती हैं। सभी समस्याओं को अपने खान पान से संबंधित आदतों में बदलाव से सुधार सकते हैं। शाकाहारी भोजन ज़्यादा लाभदायक होगा। नियमित रूप से व्यायाम करने से भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अतः इनसे आप दूर रहें। तो बंधुओं, यह था हमारा आज का वीडियो सिंह राशि के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। देशी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। जय माता दी।